कांदिवली के ठाकुर विलेज में स्थित लक्ष्मी नगर में श्री पाताल देवी वडार समाज सेवा संस्था द्वारा 50वें संवर्ण महोत्सव वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्री पाताल देवी वार्षिक महोत्सव का आयोजन बीते 31 मई को किया गया। वही आपको बता दें कि यह श्री पाताल देवी मंदिर 1972 में बनाई गई थी, जिसे अब 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसकी खुशी में वडार समाज के लोगों ने पाताल देवी की 50वीं वार्षिक महोत्सव बनाया, जिसमें पाताल देवी की पालकी निकालते हुए मंदिर से ठाकुर विलेज के तमाम जगत से घुमाकर वापस मंदिर के पास लाया गया, जिसे देखने के लिए बड़े बड़े नेता और समाज की आम जनता तक मौजूद रहे। आए जानते खास रिपोर्ट। पूरे 50वां साल भी बड़े धूमधाम से देवी की पालकी निकाल के मना रहे हैं। मैं पाताल देवी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनके सारे भक्त और नागरिकों के जीवन में खुशहाली मिले, ऐसे में देवी के चरणों में प्रार्थना। और पाताल देवी सब क्या क्या महानगर पालिका चुनाव को लेकर? मैं भगवान के साथ चुनाव के लिए मांगने की आवश्यकता नहीं, भगवान समझता है अच्छा तो उन्हें किसके हाथ में महापालिका देनी चाहिए। भगवान बराबर सब करता है, अच्छे के लिए भगवान अच्छे के पीछे रहता है। और आज भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, वो सभी देव देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। धन्यवाद। यहाँ का पाताल देवी मंदिर यहाँ पे इतना पुराना है कि 50 साल सुवर्ण मौसम आज जो फंक्शन रखे हैं, जब सभी भक्तों यहाँ का जो भीड़ जमी है शोभा यात्रा की, हम तो अभी रैली निकालने जा रहे हैं, जैसे हमारे विरोधी पक्ष भाव प्रतिभा दरेकर आज यहाँ पर आके संबोधित कर रहे हैं और इस तरह से हमको सहकार्य कर रहे हैं। हमारे आतंक का आगमन हुआ है, अच्छा लग रहा है कि जमीन पर भाव का कुछ अच्छा काम हो रहा है। ऐसे भाव से इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन में जितना हम उनका सहकार्य करेंगे। आप फिर से आज जो यहाँ पर रैली के सब जैसे इकट्ठे हुए हिंदू पक्ष की तरफ से, हिंदू समाज की तरफ से, को आप उनकी तरफ से आप शुभकामनाएं देते हैं। हमारे सिर्फ पाताल देवी वडार समाज सेवा संस्था है। और ये पालकी कहाँ से कहाँ तक जाएगी? अभी ये यहाँ से मंदिर से निकल के हमारे बस्ती लखनऊ से होके ठाकुर कॉलेज, ठाकुर विलेज, राजेंद्र जानवाड़ा नाका से होके हमारे यहाँ पे फिर संत यहाँ पर मंदिर के द्वार पर पीछे आ गए। लोकर के लिए जी।